आज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे लॉन्ग, इतनी दूर आने के लिए. मंडे को नवरात्र के पहले दिन आप लोगों को डिस्टर्ब किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. एंड आज हम इंडियन फिएस्टा का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, विच इज़ एन 80-city टूर. एंड आई थिंक इंडिया का पहला ऐसा टूर होगा विच इज़ अ मिक्स ऑफ विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ फैशन एंड म्यूजिक. 80 cities, 10 cities में फिजिकल ऑडिशंस, 5 mega auditions, एंड आई थिंक आई विल बी रीचिंग आउट टू अबाउट 7-8 crore पीपल. फिजिकल ऑडिशंस विल बी अबाउट 4-5 lakh पीपल. आई थिंक दैट मेक्स इज ह्यूज. एंड आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, दैट वी एक्चुअली कैन डू इट वेल. सर कैसे मैनेज होने वाला है ये सब, मतलब क्या सेटअप किया आपने, कैसे मैनेज करने वाले हैं? 80 सिटीज है, आई एम श्योर बहुत ग्रैंड होने वाला है, लेकिन कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज मुझे 27 years हुए काम करते हुए, थोड़ा फिल्म्स और सिटी टूर्स की का है मेरे पास, सो इतना एक्सपीरियंस है. एंड आई हैव गॉट टीम्स, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क. So we have got teams in other cities, every city, and that is why yes, it is possible. So any celebrity you are associated with? Yeah, I am. Of course, I'll have about 65 celebs on board. 65 celebs on board, and we'll be showcasing this at Ghana, South Africa, because there is something we are in talks with. So that is it. मेरा तहे दिल से माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू मिस्टर आयुब खान. वो इतना अच्छा इवेंट ला रहे हैं कि म्यूज़िक, फैशन, फैशन के इतने सारे लोग, इट्स सच अ ग्रेट अमैलगमेशन ऑफ सो मेनी पीपल कमिंग टुगेदर, यू नो. म्यूज़िक इज़ सच अ वास्ट इंडस्ट्री, लेकिन म्यूज़िक की हर इंडस्ट्री से, म्यूज़िक के हर पार्ट में से, हर हिस्से में से इतने ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, एंड इतने सारे लोगों को मौका मिल रहा है, यू नो. इतने सारे नॉन सेलिब्रिटीज़, नॉन एक्टर्स को मौका मिलेगा ताकि वो लाइमलाइट में आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ. सो excited because of course fashion related something which is really, you know, exciting to see, and I just want to wish them all the best. 80 cities mein hone wale alag alag fashion music youngsters ke liye kitna bada mauka hai. I think it's a great platform for all the people, all the youngsters, you know, who has been like trying to get into this platform. I think it's a great thing for them. Yeah, so my next film O Pushpa Hate Tears is coming very soon. Poster is coming really really soon. I think it's coming next week. So yeah, I'm excited for that. Anything you would like to talk about your character in the film? It's a very modern role. It's a very different, which I have like, you know, in one day I have played something different. It was in one day it was a Muslim girl, conservative girl, but in O Pushpa Hate Tears it's a really, you know, modern and glamorous girl. So you will be able to see me in a different different role, I guess. Yeah, it's totally different from my other film, so I'm excited for that. Thank you so much. Badhai dena chahta hu, aur aur jo iske Indian Fiesta ke organizer hain उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. थैंक यू. या नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, और जो तरह तरह के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं तो जो आने वाली जो जनरेशन है या जो आने वाला टैलेंट है उनको मौका मिलता है, तो इसके लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है. या तो जो मेरी फिल्म आ रही है वो 25 अक्टूबर को रिलीज़ है, और पार्टियां तो अब रोज़ ही हो रही हैं, प्रमोशन चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, या आशा. और मेरी फिल्म है सांड की आँख, जो अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर रहे हैं और तुषार जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. तो आप प्लीज़
जाके ज़रूर देखिए फिल्म. नहीं तापसी नहीं, भूमि का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ. या माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं, मतलब स्ट्रगल तो काफ़ी लंबा था, लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी बड़ी फिल्म में मेरा डेब्यू होगा. तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी वेब सीरीज या सीरियल्स में आऊँगा, लेकिन नहीं, मेरा इस अच्छी फिल्म से डेब्यू हो रहा है. और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, जैसा कि अनुराग कश्यप जी बनाते ही हैं अक्सर. तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, और बहुत अच्छी फिल्म है. ओके देखिए, जो आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज क्या है ना कि राहुल भाई जो हैं वो, अब भाई बोल दिया तो भाई हैं, तो उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं. तो देखते हैं क्या होता है. आई मीन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, अलग अलग टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एंड आई एम द फर्स्ट टू सपोर्ट हिम, सो आई एम हियर. मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे दोस्त होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाएगा और देखेंगे कि आज रात जो है कहाँ लेकर जाती है. मैंने आई जस्ट शॉट फॉर अ फिल्म, पंजाबी फिल्म, इट्स कॉल्ड तेरी मेरी गल बन गई. अभी थोड़ा सा टीवी से जो है मोह माया छोड़ के थोड़ी फिल्म नगरी की ओर बढ़े हैं. सो लेट्स सी. एंड प्लस हुनर इज ऑल्सो नॉट हियर, शी शूटिंग फॉर शो विच कम्स ऑन एन टीवी. इट्स कृष्ण भगवान के ऊपर है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट शी स्टार्टेड शूटिंग. सो इट्स जी, मौका मिलेगा तो ज़रूर वापस आएंगे. देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन, बट अगेन आज की डेट में सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ कि कॉन्टेंट इज किंग, सो I go with content. Thanks. बहुत बढ़िया. आज इसका ये अनाउंस किया है इन्होंने, आज लॉन्च है इसका यहाँ ड्रैगन में. सो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो नए लोग हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए. सो ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं. सो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस. गाना मेरा अभी रिसेंटली गाना आया सी म्यूज़िक से, तो मैं वही गा देता हूँ थोड़ा सा. अपकमिंग मेरा जो है स्पीड रिकॉर्ड से अभी गाना आ रहा है, सा मेरे स्टोरिकल सॉन्ग, जो जिसमें मॉडल है अर्शी खान, बिग बॉस वाली, आपने देखा ही होगा. सो बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा, ये मैं पहली बार आज अनाउंस कर रहा हूँ. सो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स, ऐसे आप प्यार भरते रहो देते. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन फेस्टा को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्टेंट हंट हुए हैं जिसमें हर एक फील्ड को, कैटेगरी को सेपरेट सेपरेट रखा जाता है, बट यहाँ पे जो उन्होंने पांच अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स को टुगेदर एक बार इकट्ठा करके एक लॉन्च किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम. सेकेंडली लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टैलेंट, जितने भी लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा एक तरीका है, जिससे कि वो एक कोप अप कर पाएंगे इंडस्ट्री के साथ. कैसे मैनेज करने वाले हैं आप कुछ स्ट्रेटजी आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पता चलेगी कि कैसे कैसे चीज़ आगे मूव करती है. बट ऑफकोर्स हमने हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो हमारे जो टैलेंट की उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करना ही हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, और उसे ग्रूम करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टैलेंट लोगों की कदर करनी चाहिए, और टैलेंट कोई एक दिन में तो आता नहीं है, इसके लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पूरी जर्नी है आर्टिस्टों की. और एक आर्टिस्ट आकर के अपने आप को पेश करता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है. इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ. सर,
मेरा क्या है कि राहुल राय मेरा जिगरी दोस्त है और मुझे कुछ नहीं पता, सडनली बोल लिया आना है, मैं कहा हाँ बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि राहुल मेरे रिलेशन में भाई की तरह है, बहुत प्यार करता है, और मैं राहुल के लिए आया हूँ इस इवेंट के अंदर, मैं राहुल का शुक्रिया अदा करता हूँ, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। आई थिंक हमारे पास ऐसे और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आई मीन इट्स अ ग्रेट डील कि 80 कंट्रीज़ में जाके आप टैलेंट ढूंढ के ला रहे हो, एंड गिविंग देम अ चांस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको कभी चांस भी नहीं मिलता है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पहले तो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट आयुब खान फॉर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दिस एंटायर इवेंट एंड डूइंग इट सो वेल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब भी वो इन्वाइट करते हैं तो मतलब आना ज़रूरी हो जाता है, एंड या सो आई एम हैप्पी। वेल आई एम डूइंग अ वेब सीरीज राइट नाउ एंड आई हैव टू रियली बिग एड्स दैट आई कम आउट, दैट्स इट, थैंक यू। Well, I would just like to say that I'm here. Ready? So basically, I'm here for Mr. Rahul Roy, and I think it's a great initiative that he's taken to help the young talent in our country and a platform that he's trying to provide. So I'm just here to encourage that. And ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको इसके बारे में आगे पता चलेंगी, मुझे भी पता चलेंगी, and I think he's a great man. A gentleman, and the thought that he has right now about this Indian Fiesta, I think it should rock, and my best wishes with him, and what the vision that he has, I hope ye jhande gaadte ye bhi vision unki. Cool, thank you. Ayub ji, okay sir, mana aaja Ayub step bhai isko pakad lo bahut चीजें क्लियर कर लेता हूँ। इंडियन फिएस्टा जो है ये आइडिया अयूब का है, जो ये लोग आ रहे हैं और मेरे साथ डिस्कशन में रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो मेरी खुशनसीबी है कि जो मैं अयूब के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी विचारधारा सेम है, क्योंकि ऐसे तो कई शोज़ हैं, कई स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं जो हर जगह किया जा रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये जीतेंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन रियलिटी ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर 29 ईयर्स, और मुझे मैं गर्व से कहता हूँ मैंने बहुत ऊंचाई देखी है, मैं गिर गया, मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ, और ऐसे मेरे तरह कई एक्टर्स हैं। ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे टेक्नीशियंस का हो, अगर आप हार नहीं मानोगे और आप काम करते रहोगे, यू विल, और टैलेंट है तो वो टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता है। तो ये मंच जो है फॉर सुपर मॉडल्स, मिसेस सुपर मॉडल्स, रैपर्स, बैंड्स एंड सिंगर्स, हम लोग 80 सिटीज से 16 सिटीज़ में हम लोग लोगों को बुलाएंगे जो फाइनल किए जाएंगे, वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, फर्दर डिस्टिल किया जाएगा। इन कंटेस्टेंट से एक बात मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है टू एंटर दिस कॉन्टेस्ट, देर इज़ नो फी। तो ये प्योरली टैलेंट पे होने वाला है, और जो जूरी है
आज की शाम आई एम फॉर्चुनेट कि जो लोग कलाकार लोग आए हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, इन्होंने खुद अपनी मेहनत से नाम कमाया है और कर रहे हैं ये, बट दे आर फ्रेंड्स. और इन सब की विचारधारा यही है, क्योंकि हर इनमें से हर कलाकार ने स्ट्रगल किया है. कोई चीज़ प्लेटर में नहीं दी गई है, किसी को मिला नहीं है कि ऐसे बन गए हैं. एंड दे कंटिन्यू एवरी डे टू फाइट टू बी दैट पर्सन एंड टू ग्रो मोर. तो हमारी कोशिश है कि इंडियन फिएस्टा जो है इवेंचुअली एक ऐसा ब्रांड हो और इनकरेज करे लोगों को, छोटे शहरों से हो या कहीं से भी हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आपके पेरेंट्स कौन हैं या क्या हैं, टैलेंट है, आओ स्टेज पे दिखाओ उस चीज़ को, एंड वी विल लाइक टू इनकरेज इट अगर आप में वो दम है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का सपोर्ट मिला है राहुल सर से, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. और जब आपने आइडिया पिच किया था इनको, तो क्या रिएक्शन था इनका? Yes, been a great support. बहुत इतना इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, एंड ऑफ कोर्स इनके इनपुट्स वैल्यूएबल हैं. सो ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि आई डोंट नो लोग इतना इनके बारे में जानते हैं कि नहीं, बट आई हैड बीन वर्किंग विद राहुल जी फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल. बट देन अगर आप व्हेन यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू नो एक्चुअली इज़ अ वेरी 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 हम्बल मैन, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. And thankfully, he was also convinced with the idea of what I was doing, what we were doing, in fact, me, Ayush, and the team were doing. And it is great privilege for me to actually have him on board. And so, welcome. Hi. Welcome. Thank you. And as a talent, matlab, he is the kind of talent jo youth look up karti hai. They want to be him. So when I have friends like him, and ye us aane wale youth ko kuch dena chahte hai, I'm happiest person that Steben will become a part of this. वो तो बाकी सब logistics आने वाले वक्त में बताएंगे, but I'm so grateful that he's out here because this is the kind of person that I want. कि जो लोग singing में जाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कि वो इस he's one of the people that they should learn कि कितनी मेहनत जाती है, कितनी रातें अकेले सोचना पड़ता है. ये अकेले की रास्ता है, चाहे वो actor हो या singer हो, कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला है. लेकिन अगर आप में वो जज्बा है और यकीन है कि आपके टैलेंट में कुछ दम है, देन यू विल सर्वाइव. रेस्ट आई विल टेल, रिक्वेस्ट सेवन टू से समथिंग. एक्चुअली मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए, राहुल भाई के लिए. इनसे एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. अगर आप इनके साथ आधे घंटे बैठ जाओगे तो शायद आपका अगला 2-3 साल बहुत क्लियर हो जाएगा लाइफ में, बहुत सॉर्टेड हो जाओगे, क्योंकि इनको बहुत नॉलेज है. और ये बिल्कुल जब समझाते तो मैं बहुत सुनता हूँ. तो इनका एक नेचर है, ये सबको बहुत सपोर्ट करते हैं. हम लोग साथ में क्रिकेट टीम्स को भी सपोर्ट करें, जहाँ पे काफ़ी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं. और जब मैं इनसे मिला था, और जब जैसा मैंने देखा कि ये इतना सपोर्ट करते हैं सभी को, और आई थिंक सभी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि मेरे सारे शोज़ में आप लोग रहे हो हमेशा, आप हमेशा देखा है मैंने आप सबको, मतलब मेरे सारे इनिशियल शोज़ में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सारे एक्टर्स ने, सिंगर्स ने सपोर्ट किया है. तो आई थिंक सबको सपोर्ट चाहिए. एंड आई थिंक ये जो आने वाले टैलेंट है, अभी इनको ज़रूरत है सब सपोर्ट की. तो आज राहुल भाई का सपोर्ट है, दोनों आयुब एंड ब्रदर्स का सपोर्ट है इनका. तो आई थिंक इनके सपोर्ट से ये सारे टैलेंट्स को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस बड़े प्लेटफॉर्म के बाद वो और आगे जा पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो लाइव शो से चालू किया, आज मैं प्लेबैक में एंटर कर चुका हूँ, चीज़ें आने वाली है, चीज़ें अच्छी हो रही है, कुक हो रही है. बट आई थिंक उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि इसके बाद ही उनकी मंजिल आगे जाएगी. तो आई थिंक राहुल भाई जैसे लोग हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं लोगों को, और शायद ही कोई आज के ज़माने में किसी और के लिए करना चाहता है, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो सबके लिए करते हैं, सबके लिए सोचते हैं. आई थिंक क्रिकेट में भी इन्हें बहुत किया है, मतलब शायद आप लोग नहीं जानते हो. VPL में डेफिनेटली जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ पे VPL को बहुत सपोर्ट किया है, सारे बच्चे आज इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी वजह से मुझे भी प्यार करते हैं. जी जी, जी जी जी, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ यही बनता है कि हमें जो भी मिलता है हम गाना चाहते हैं. तो आई थिंक रिसेंटली जो गाना मेरे पास आया सजदा करूँ, तो वो एक्चुअली क्योंकि आर्टिस्ट बैन हुए थे बाहर के, तो वो गाना मुझे मिला है. तो आई थिंक वो गाने का रीज़न यही कि अनुराग जी जो जी म्यूज़िक के हमारे मेन हैं, अनुराग जी ने मुझे वो गाना ऑफर किया था. तो मुझे पता भी नहीं था कि गाना एक्चुअली किसी ने ऑलरेडी गाया हुआ था पहले. और जैसे ही मुझे गाना ऑफर हुआ, तो मैं बहुत मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है. और गाना मुझे बहुत पसंद आया, मैंने गाया, अब लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसे और चांसेस मिलने वाले हैं. एक्चुअली
ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या होता है, कैसे बैन हुए, एक्चुअली चीज़ें हुई है क्योंकि हमारे इंडिया का रूल है और हमारे जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के और हमें मौका मिल रहा है और इंडिया के सबको मौका मिलेगा तो शायद मैं तो बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक आर्टिस्ट को मौका मिले, क्योंकि इंडिया में बहुत आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और सबको मौका मिलना चाहिए। सो जो भी हो रहा है आई थिंक देखिए अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, बट मैं तो चाहूँगा कि सारे आर्टिस्ट को चांस मिले, जैसे मेरे ऐसे आर्टिस्ट को चांस मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ। दोस्त हैं, एक्टर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं और अभी रिसेंटली वोग मैगजीन में भी इनको बहुत अच्छे तरीके से फीचर किया गया है एंड इनका यहाँ आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज अगर कोई समझे कि स्ट्रगल क्या होता है तो शायद इवांका से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, शी हैज़ ऑल्सो हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, बट ये इंडियन फिएस्टा जो है आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट एंड आई एम ग्रेटफुल दैट समबडी लाइक हर इज स्टैंडिंग देयर विद मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू give her that platform to do what she enjoys, whether it's dancing or whatever is there, but she's a style icon as far as I'm concerned. Aur kuch shabd main chahta hu ki Ivanka aap sab logon tak pahunchaye aur aap samjhe ki ye kaun hai. First of all, I would like to say about him that he's amazing guy. बचपन के क्रश थे मेरे तो, बट अनफॉर्चुनेटली वी मेट सम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द सम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हेन आई मेट हिम ही हैज लाइक अमेजिंग पॉजिटिव गुड वाइब्स और इनसे एक चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी या कोई भी हो जो नए स्ट्रगल है स्ट्रगलर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं चाहे तो इज़ अमेजिंग। तो जब मैं इनके साथ शूट की थी मुझे लगा था कि मैं उनको गाइड करूँ, मुझे लगा उल्टा मुझे कुछ सीखने को मिली इनसे। और दूसरी बात इज़ अमेजिंग आई रियली डोंट हैव सच वर्ड्स अबाउट टू लाइक कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े और मैं शिद्दत से बहुत उन्हें सम्मान देती हूँ तो मेरे पास है नहीं छोटे होते सो ज़्यादा बोलूँगी नहीं और ज़्यादा मैं आपके टाइम लूँगी नहीं। तो मैं आपको ये ही बोलूँगी हमारी इंडस्ट्री में जेंडर इतने प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ ना करे तो अच्छी बात है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ऑरा पॉजिटिव वाइब्स मोर टैलेंट्स तो आई थिंक हमें उसको जगह देनी चाहिए और इज़ द वन लाइक बिना सोचे मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का। मैं एक ही फ़ोटोशूट की थी बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को आगे वाले में मैं चाहती हूँ ये मैसेज आप सबको दें और बोलें कि हमारे पास भी टैलेंट है हमें मौका दीजिए और आगे की बात सोचिए। आपको देंगे डोंट वरी ठीक आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स यस लाइक यूनिवर्स या दो तीन I have signed LOI, so I really would not like मैं अभी close बताना नहीं चाहती, it's better कि मैं बाद में बताऊँ। दो तीन वेब सीरीज़ में बात कर रही हूँ, हो रहा है शायद, तो it's just upcoming, just देखिएगा। It's a new India, बहुत बड़ा पहुँच दे रहे हैं, होगा और मेरे साथ भी काम होगा।